वाराणसी यूपी की हाई प्रोफाइल सीट है और अमेठी भी। अमेठी इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने बीजेपी की उम्मीदवार है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। आज अमेठी में स्मृति ईरानी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। वो कार्यकर्ताओं के साथ सड़क किनारे गन्ने का जूस पीती देखी गई। इसी बहाने उन्होंने वहां इकट्ठा हुए लोगों से चुनाव पर चर्चा भी की। समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी जन जन तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। इस बार चुनाव में जीत के लिए कोई कसर बाकी ना रहे, इसलिए अमेठी के हर मतदाता से वो मिल रही हैं। ना सिर्फ मिल रही हैं, उनसे वोट की अपील भी कर रही हैं और लगे हाथ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर हमला भी बोल रही हैं। कांग्रेस के नेता में इतना दम नहीं कि अयोध्या तक पहुंचे और रामलला के चरणों में शीश झुका ले। हम इस लोकतंत्र में जनता को भगवान तुल्य मानते हैं और हमारा संस्कार ये है कि हिंदुस्तान में कभी कोई भगवान को पीठ नहीं दिखाता है। पीठ दिखाई उन्होंने अमेठी को, इसीलिए अमेठी लोकसभा क्षेत्र अब आक्रोशित है। अमेठी है तैयार फिर एक बार।